दिस वीक रोलिंग ऑन काउंटडाउन नंबर 2 इज सलमान खान एंड हिज कोर्ट ड्रामा। सलमान केस का एक जरूरी डॉक्यूमेंट हुआ मिसिंग। मिसिंग डॉक्यूमेंट को ढूंढकर पेश करने के लिए कोर्ट ने दी एक महीने की मोहलत। इस हफ्ते हुई सलमान केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में काफी देर तक चला एक बड़ा ड्रामा, जो लाया है सलमान के लिए एक नया ट्रॉमा। वो इसलिए कि इस केस में अगली सुनवाई सलमान की अपकमिंग फिल्म किक की रिलीज डेट से क्लैश होने जा रही है, यानी 25 जुलाई। जिस दिन किक थिएटर्स में आएगी, सलमान जाएंगे कोर्ट में हाजिरी लगाने। जी हाँ, वेंसडे को सेशंस कोर्ट से सलमान केस की हियरिंग से निकल कर आई है कुछ यही खबर कि पिछले 3 दिनों से लगातार कोर्ट में हाजिरी लगा रहे सलमान को 1 महीने कोर्ट में प्रेजेंट होने की झंझट से भले छुटकारा मिल गया है, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एक विटनेस के लास्ट स्टेटमेंट की कॉपी प्रोड्यूस ना कर पाने की वजह से। कोर्ट में जब एक गवाह को पेश किया गया तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके पिछले स्टेटमेंट की ओरिजिनल कॉपी पेश करने में नाकाम रहे। उन्होंने बयान की जो कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस की वो उस गवाह के बयान की जेरोक्स कॉपी थी। इस गवाह का नाम रिपोर्टेडली कल्पेश वर्मा है, जो हादसे के वक्त वहाँ मौजूद था। लेकिन कल्पेश के स्टेटमेंट से पहले विटनेस के लास्ट स्टेटमेंट की कॉपी नहीं होने को सलमान के बचाव पक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, जिस पर कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए कुछ देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। आखिरकार लास्ट स्टेटमेंट की कॉपी ना मिलने पर कोर्ट एडजर्न कर दिया गया। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई तय की गई है, जिसमें से नेक्स्ट हियरिंग का पहला दिन यानी 25 जुलाई सलमान की अपकमिंग फिल्म किक की रिलीज डेट भी है। तो सलमान के केस की हियरिंग का ये पूरा ड्रामा बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 2 बजमेकर।